हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सभी एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट आपको ग्रासलैंड्स याद करने हैं, जिनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप प्लस वन मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे और हमारी भी थोड़ी मदद हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ में जिस तरीके का आपको वीडियो चाहिए कोई टॉपिक पे, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आप बता सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को क्लिक करिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड के साथ, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आपको बता दें कि ग्रासलैंड्स होते क्या हैं। देखिए, ग्रासलैंड्स वो एरिया होते हैं जहाँ पर ग्रासेस होती है, मींस जो वो एरिया वेजिटेशन का जो कि ग्रासेस से डोमिनेटेड होता है। तो ये मोस्टली सभी कॉन्टिनेंट्स में ये ऑकर होते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ये नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, अंटार्कटिका में कोई भी ग्रासलैंड नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है ये एक स्नो कवर्ड एरिया है। पूरा जो एरिया है, कॉन्टिनेंट है, वो स्नो से घिरा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कई डिफरेंट टाइप के ग्रासलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, सवानास, श्रबलैंड्स, ये सारे जो है ग्रासलैंड्स के टाइप है। तो देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ग्रासलैंड्स होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर के, उसमें मोर प्रेसिपिटेशन होती है। जो ग्रासलैंड्स होते हैं नदर हेमिस्फीयर से, उनसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन वहाँ पर पाई जाती है। तो एक पॉइंट है। तो ये ग्रासलैंड्स के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। देखिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो होते हैं ये वार्म ईयर राउंड होते हैं, और बट यूजली हैव अ ड्राई एंड रेनी सीज़न। तो इसमें जो है सीज़न जो है ड्राई और रेनी होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो अफ्रीका का जो सवाना ग्रासलैंड है, अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड है, वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इसमें जो एवरेज रेनफॉल है वो 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर्स तक यहाँ पर रेनफॉल पर ईयर होती है, और इनकी जो ग्रासेस होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो कई ग्रासलैंड्स हैं टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड्स। तो दो टाइप के ग्रासलैंड्स हमने कवर किए हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब आपको ये इंपॉर्टेंट टेबल है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको मेन ये टेबल ही याद करना है। ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में जहाँ आपको एक व्यू लेना था, बाकी अब आपको ये टेबल याद रखना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो डॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो प्लीज़ ये याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रासलैंड्स जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं उनका क्या नाम है, तो ये डॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना और यूरुग्वे के जो ग्रासलैंड है उनको बोलते हैं पंपास, और अगर आप वेनेजुएला के साउथ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स पूछे जाए वो है लियानोस। तो ये आपको याद रखना है, वेनेजुएला में जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है ये, तो वहाँ पर लियानोस बोला जाता है। साउथ अमेरिका में अगर आप देखेंगे मैप में, तो अगर आप मिड साउथ अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर बोला जाता है सेल्वास, और साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे की कंट्रीज में बोला जाता है पंपास। तो तीन अलग अलग नेम हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। पंपास मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका का पंपास है, बाकी तीनों भी आपके दोनों भी आपको याद रखना है, सेल्वास और लियानोस। तो ये ग्रासलैंड्स है साउथ अमेरिका के। नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड है उनको बोलते हैं प्रेरीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है एसएससी में। तो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को बोला जाता है प्रेरीज। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड को बोला जाता है सवाना। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का आपको मेन डॉन्स ही याद रखना है, अफ्रीका का आपको याद रखना है सवाना, और ऑस्ट्रेलिया का डॉन्स, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। साउथ अमेरिका का हमने आपको बताया सेल्वास। यूरोप और नॉर्दर्न एशिया का है स्टेपे, तो स्टेपेज जो हैं वो यूरोप के ग्रासलैंड्स हैं, और यूरोप और एशिया का है त्यागा। तो देखो, आपको नाम याद रखना है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। साउथ अफ्रीका का अगर आपसे पूछा जाए, अफ्रीका का सवाना है, लेकिन साउथ अफ्रीका जो सदर्न मोस्ट अफ्रीका है वहाँ पर है वेल्ड्स, तो वेल्ड्स जो है वो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वहाँ पर वेल्ड्स के नाम से ग्रासलैंड्स को जाना जाता है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर लियानोस। हंगरी, देखिए हंगरी जो है इसको यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स है वो पुस्तास के नाम से जाना जाता है, और न्यूजीलैंड में जो ग्रासलैंड्स है वो कैंटेबरी के नाम से जाना जाता है। तो प्लीज़ ये टेबल ज़रूर याद कीजिए, इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का
साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूरोप का, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ ये टेबल बाय हार्ट याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल का, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रिवाइज़ कर सके। तो ये था वीडियो जो कि ग्रासलैंड्स पे है, और आप मैप में देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पंपास, साउथ अफ्रीका में एक वेल्ड, और अगर आपसे अफ्रीका का पूछा जाए तो सवाना, और एशिया का सॉरी यूरोप का होता है स्टेपे, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का देखें तो वहाँ पर है डाउन्स। तो ये चीज़ आपको सारे याद रखने हैं। और आप एंटार्क्टिका में देख सकते हैं कोई भी ग्रासलैंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है टोटल जो स्नो एरिया है वहाँ पर पाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी ग्रासलैंड नहीं है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो था जो कि ग्रासलैंड्स पे हमने आपको दिया, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है आपके एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपका लाइक और शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा फेसबुक पेज है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी tutorialstudy@gmail.com, आप इसमें भी कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। ये वीडियोज़ फुल है SSC CGL CPO बैंकिंग NTPC एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। So if you like this video, then subscribe to our channel and share this so that we can help you in every possible way. So thank you everyone.